संबोधित जो दो शब्द बोल दीजिए सर। स्वाधीनता सर उच्चल जलधित रंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ। आज के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर और साथ ही 75वें जो अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं अपनी ओर से बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि हम तमाम देशवासियों इस बात से हम प्रेरित हैं कि ये गणतंत्र ही इस देश के लोकतांत्रिक और स्वाधीनता के लिए जितने सारे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जितने सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित ऐसे अनेक हमारे गणमान्य नेताओं के बलिदान और त्याग का परिणाम देश हमारा आज़ाद हुआ जा करके और बिहार की धरती पर एक और जहां पर डुमराओं में कपिल जी, वहीं भगवान लाल जी मुजफ्फरपुर में और वहीं पर घटिता जी पटना सिटी में ऐसे अनेक स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने अपनी आहुति देकर बलिदान देकर देश आज़ाद कराने का काम किया था। हम सब के प्रति नमन करता हूँ, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आज हमारा देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखने के लिए देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल अगुवाई में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर हम देशवासियों और समस्त बिहारवासियों को शुभकामना बधाई देते हैं 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर।